ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इंदौर प्रेस क्लब में कमर्शियल वाहनों की आवाजाही को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें AIMTC राज्य के नेतृत्व में 10, 11 और 12 अगस्त को सांकेतिक ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। जिसमें पत्रकार वार्ता करते हुए AIMTC के वाइस प्रेसिडेंट विजय कालरा ने बताया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और RTO चेक पोस्टों को बंद करके डीजल के वेट में कमी करने, रोड टैक्स गुड टैक्स को 2 तिमाही में छूट और कर शुल्क देरी में जमा करने पर जुर्माना माफ करने, सरकार द्वारा चालकों को कोविड बीमा करने जैसी मांगें रखी गई। साथ ही सरकार पर भी कई सवाल खड़े करते हुए कई अहम बातें कही, जिसमें उनका कहना है कि कोरोना महामारी के बीच बैक टू बैक लगे लॉकडाउन में बंद ट्रांसपोर्ट के कारण अत्यधिक वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा। अब फिर RTO, DTO और MVI द्वारा सीमा चौकियों पर अवैध वसूली की और भ्रष्टाचार की उत्पीड़न झेल रहे हैं। इसके राहत के लिए केंद्र सरकार के लगातार संपर्क कर रहे हैं, बावजूद इसके बिगड़ते हालातों को सुधारने के प्रशासन विफल रहा और हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। इन सबसे निराश होकर AIMTC के राज्य के नेतृत्व में 10, 11 और 12 अगस्त को सांकेतिक ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन करने का फैसला किया है। साथ ही ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को नई संगठन का भी सहयोग मिला है, जिसमें व्यापारी संघ, अहिल्या चैम्बर ऑफ इंडिया, कंटेनर और पाइन टैंकर आदि भी शामिल है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। हमारा 3 दिन लॉकडाउन रहेगा, टोटल व्यापार हमारा बंद रहेगा, परचून बुकिंग बंद रहेगी, देश की गाड़ियाँ कोई भी नहीं चलेगी। ये मध्य प्रदेश से हमने लॉकडाउन किया है। हमारी प्रमुख मांगें जो हैं, एक तो डीजल पे वृद्धि है, डीजल पे एक्साइज पे काफ़ी बढ़ा दी है, 275% टैक्स बढ़ाया है डीजल पे, इतनी वृद्धि होती है। और मध्य प्रदेश के अंदर 23% वेट है इसके ऊपर और 3 रुपये लीटर अतिरिक्त भार है और 1% शेष है। आज की तारीख में डीजल का रेट 40 रुपये होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश में 81 रुपीज़ और 41 पैसे है, जो 40 रुपये में डीजल बिकना चाहिए। तो हमारी एक ही है कि वेट में कमी की जाए और 2014 में 3.54% एक्साइज ड्यूटी थी, जो आज मोदी जी की सरकार ने 31.83% एक्साइज ड्यूटी कर दी है, मतलब इतनी वृद्धि डीजल पे कर दी है 275%। तो हमारे इसमें कमी की जाए, राहत दिलाई जाए। दूसरा हमारा है RTO बॉर्डर, जो वहाँ लूट का अड्डा बना हुआ है और गुंडे ज़बरदस्ती पैसा वसूल करते हैं एंट्री के नाम पे। वहाँ गुंडे बिठाए गए, अधिकारी तो कोई पहुँचता नहीं है, सब गुंडे बैठे हुए हैं और पैसा लूटते हैं। जो COVID-19 के पहले 1,000 रुपये 500 रुपये गाड़ी लेते थे, अब 3,000 2,500 3,000 रुपये लेते हैं। करोड़ों रुपये का कलेक्शन है, जो बोरियाँ भर भर के नोट डेली का आता है वहाँ से। जब हमारे गाड़ी का फिटनेस ओके है, गाड़ी ओके है, अंडरलोड है, तो बिना पैसे के गाड़ी नहीं निकलती है। चौथा हम तो टैंकर वालों का मिला हुआ है, व्यापारी बंधु का मिला हुआ है, एल्या चैम्बर का मिला है, कंटेनर वाले हैं, जो हैं देश के सभी हमारे साथ हैं, जो ऑल इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 52 जगह ही ऑल इंडिया के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं और टोटल व्यापार बंद रहेगा। और एक हमारा ड्राइवर के लिए जो COVID-19 का सुरक्षा बीमा है वो मिलना चाहिए, जैसे डॉक्टर और सिपाही को मिला हुआ है। उन्होंने भी एसेंशियल गुड की सप्लाई की है, जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे उन्होंने घर घर तक राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया, मेडिसिन दवाई पहुंचाई। यदि वो नहीं पहुंचते तो दवाई कैसे पहुंचती, तो उनको भी मिलना चाहिए। हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम आगे पूरा देश, पूरी ऑल ओवर इंडिया इस पे लॉकडाउन पे चले जाएगा, आगे रणनीति बना के आगे चले जाएगा। हमने 3 दिन अभी सांकेतिक किया है कि जो ये सोई हुई सरकार जग जाए और हमारी बात मान ले, और नहीं मानती तो पूरी इंडिया में लॉकडाउन हो जाए। मेरा नाम विजय कालरा, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस न्यू दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।